जावास्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कंडीशन हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में या तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। एंड दोनों कंडीशन के अंदर ट्रू एंड फॉल्स में जो भी कोई हमने प्रोग्रामिंग दी होगी वो यहाँ पर वेरीफाइड होगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे एंड यहाँ पर अपने प्रोग्राम को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटर देन इफ एज कंडीशन की। आप देख सकते हो कि मैंने एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर लिखा है, जिसके अंदर मैंने टाइटल डिफाइन किया है जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। बॉडी के अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग दिया है, देन इसके बाद मैंने कमेंट्स में बताया है कि हम प्रोग्राम जो जनरेट आउट करने जा रहे हैं वो ग्रेटर देन इफ एल्स कंडीशन का है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने जब भी कोई इफ एल्स की कंडीशन यूज करनी है, आपने सबसे पहले किसी भी वेरिएबल को या फिर किसी भी और चीज को डिक्लेयर करना है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे वेरिएबल के थ्रू। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि ए के नाम का वेरिएबल है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे ए की एक अदद वैल्यू प्रोवाइड आउट करनी है। तो मैं मिसाल के तौर पे ए की एक अदद वैल्यू 20 प्रोवाइड आउट कर देती हूँ। मैंने बताया कि एक वेरिएबल जो मैंने लिया है उसकी वैल्यू है 20। अब मुझे इफ की कंडीशन लगानी है और मैंने बताया है कि अगर मेरा जो वेरिएबल है वो यहाँ पर ग्रेटर देन हो ए से, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 100 को डिक्लेयर करूँ, तो आपने क्या यहाँ पर पुट आउट करके मुझे आउटपुट दिखाना है, आपने मुझे आउटपुट दिखाना है कि ए जो है वो मेरे पास ग्रेटर है। एस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर कि अगर जो है वो ए हमारे पास ग्रेटर नहीं होगा तो ए इज स्मॉल जो है वो प्रिंट आउट होगा हमारे डॉक्यूमेंट राइट में। तो आप देख सकते हो कि मैंने जब ए की वैल्यू 100 यहाँ पर प्रोवाइड आउट की है, तो आप देखो उसने क्या बताया कि ए की वैल्यू जो है वो एल्स कंडीशन में जाकर मेरे पास स्मॉलर हो गई, यानी कि ए की वैल्यू जो है मेरी गिवन वैल्यू से स्मॉलर है। मैं यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट राइट में पुट आउट करा रही हूँ, आप चाहें तो कंसोल लॉग में भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज आउट करूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको 155 करूँ, तो अब आप देखो मेरी इफ की कंडीशन यहाँ पे जनरेट आउट हुई है एंड आउटपुट के अंदर ए इज ग्रेटर मेरे पास डिक्लेयर हो रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ग्रेटर देन की कंडीशन को यूज कर सकते हो। अगर हम दोबारा से इस कंडीशन को चेक आउट करें, यानी कि मैं ए की वैल्यू 5 दूं और यहाँ पर जो मेरी कंडीशन है उसमें ए की वैल्यू जो है वो 10 दे दूं, तो आप देखो अभी भी क्या बता रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो मेरी गिवन वैल्यू से स्मॉलर है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन को डिक्लेयर करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि या तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स होगी, या फिर और आसान अल्फाज में बोलूं या तो इफ की कंडीशन वर्क करेगी या तो फिर हमारे पास एल्स की कंडीशन वर्क करेगी। साथ में मैंने एक और दूसरा प्रोग्राम भी डिक्लेयर आउट किया है, जिसके अंदर हम इक्वल टू इफ एल्स कंडीशन के बारे में बात करेंगे। साथ में मैंने डॉक्यूमेंट राइट DVR प्रोवाइड आउट किए ताकि हमारे पास दो लाइनों का यहाँ पर डिफरेंस आ जाए। अब हम अपने दूसरे प्रोग्राम की बात करते हैं यहाँ पर, जो कि हमारे पास बेसिकली है इक्वल टू इफ एल्स कंडीशन। इक्वल टू इफ एल्स कंडीशन में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल मैंने दिया होता है, मिसाल के तौर पर मैंने वेरिएबल दिया है एक्स इज इक्वल टू 100, तो अगर मेरी गिवन वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी तो ये प्रिंट करेगा कि मेरी एक्स की जो वैल्यू है वो सेम है। लेकिन अगर मैंने जो है वो एक्स की वैल्यू अपने गिवन वैल्यू से ज्यादा दी होगी, तो आप देखो ये बता रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो मेरी गिवन वैल्यू से सेम नहीं है, या उससे जो है वो यहाँ पर बेसिकली मैंने लिखा है एक्स इज नॉट स्मॉलर, तो मैं स्मॉलर की जगह यहाँ पर सेम कर दे रही हूँ ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अब आप देखो जो मेरी एक्स की वैल्यू थी वो 100 थी और जो मेरी गिवन वैल्यू थी वो 1000 थी, तो उस केस में एस की कंडीशन रन हुई और मुझे बताया कि एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सेम नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी, इक्वल टू की भी एंड इफ एस की कंडीशन अगर ग्रेटर देन या लेस देन के लिए यूज करना चाहें तो वो किस तरीके से की जाती है।